इसके माध्यम से मधुमक्खी गोंद से सटे फ्रेम को अलग करने के लिए किया जाता है। यह प्लास्टिक का बना गोला जालीदार होता है, जिसका एक सिरा खुला और दूसरा सिरा बंद रहता है। इसका प्रयोग रानी मधुमक्खी को एक बक्से से दूसरे रानी विहीन बक्से में ले जाने और रखने के लिए किया जाता है। लूटमार रोधक बक्सा। मधुमक्खी बक्से के प्रवेश द्वार पर लकड़ी का बना त्रिभुजाकार दो मुंह वाली नालिका लगा दी जाती है। इसमें दो रास्ते होते हैं। दोनों रास्ते से मधुमक्खियां आने जाने का कार्य करती हैं। इसका उपयोग प्राकृतिक भोजन के अभाव के समय शत्रु जैसे भौरा हड्डा के लूटमार से बचाने के लिए किया जाता है। छीलन ट्रे। इसका प्रयोग मोमी टोपी हटाने और छत्तों से मधु निकालने के समय किया जाता है। यह चादर का बना चौकोर होता है। तो किसान भाइयों, ये थे सफल मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग होने वाले आवश्यक उपकरण। इन उपकरणों के माध्यम से आप अपने व्यवसाय को लाभप्रद बना सकते हैं।